हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कनेक्ट टू कंप्यूटर स्टैंडर्ड 1, चैप्टर नंबर 3, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ा था, अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। सी ईयर, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स बताया हुआ है, ईयर, नेक, आईज, माउथ एंड लेग। ओके, बट अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनती है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज सर्टेन टास्क असाइन टू इट। और हर बॉडी के पार्ट का अपना एक काम होता है, ठीक है। कैन यू नेम वन टास्क असाइन टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी? Can you name one task assigned to every part of your body? क्या तुम एक टास्क बता सकते हो तुम्हारे कोई भी बॉडी पार्ट का? Yes, eyes, आंखों से हम देख सकते हैं, माउथ, मुंह से हम लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं, ear, सुनने के लिए, neck, right, left, up, down, हर जगह देखने के लिए यूज करते हैं, hand to hold, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, leg, walk करने के लिए। Okay? द कंप्यूटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। इसी तरह कंप्यूटर भी क्या है, बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है। सम ऑफ इट्स मेन पार्ट आर, और यहाँ पर उसके कुछ मेन पार्ट दिए हुए। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का हर पार्ट उसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के भी जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के मेन पार्ट्स बताया हुआ है, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। मॉनिटर, हैव यू सीन अ टेलीविजन? क्या तुमने कभी टेलीविजन देखा है, टीवी? यस, हमारे तो घर में होती है टीवी। अ मॉनिटर लुक्स जस्ट लाइक दैट। सो मॉनिटर भी क्या है, एज इट इज टीवी की तरह ही नजर आता है। लुक एट हियर, दिख रहा है ना ये टीवी की तरह ही। वी कैन वॉच मूवीज, कार्टून एटसेट्रा, और इस पर हम लोग मूवीज देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। मूवीज, कार्टून और ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। कीबोर्ड, इट हैज बटन्स ऑन इट दैट आर कॉल्ड कीज। इट इज यूज टू टाइप अल्फाबेट, सिम्बॉल्स एंड नंबर्स। ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड पर बहुत सारे कीज होते हैं। सो यहाँ पर जो होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, यहाँ पर नंबर्स होते हैं और उस पर सिंबल्स भी होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट योर माउस। अ माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड टू कलर देम। अब ये जो माउस होता है, ये इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए और कलर करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू सिलेक्ट थिंग्स फ्रॉम द मॉनिटर। और माउस की हेल्प से ही हम लोग मॉनिटर में से किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट हैज टू क्लिक बटन्स एंड वन स्क्रॉल बटन। और इसके पास दो क्लिक बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होता है। ओके, टर्न योर पेज। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं सीपीयू। इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू इज अ चिप विच प्रेजेंट इन द सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू की जो चिप होती है वो सीपीयू कैबिनेट में प्रेजेंट होती है, मतलब वहीं पर होती है। ओके, नाउ सी सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अभी हम लोग ने मेन पार्ट्स पढ़े कंप्यूटर के। मेन पार्ट्स क्या क्या थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ अवर कंप्यूटर। और ये यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, अदर पार्ट्स। ये प्रिंटर एंड दिस इज स्पीकर। प्रिंटर प्रिंट्स पिक्चर और टेक्स्ट ऑन पेपर। प्रिंटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी प्रिंटर की हेल्प से ही प्रिंट किए जाते हैं। स्पीकर्स, वी कैन लिसन म्यूजिक यूजिंग स्पीकर्स।
स्पीकर्स का यूज करके हम लोग गाने सुन सकते हैं। नाउ सी, डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है, कीबोर्ड एंड माउस आर नोन एज अ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस माने जाते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर नोन एज अ आउटपुट डिवाइसेस। ओके, लेट्स सी एक्टिविटीज ऑन क्वेश्चन नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट बिलोंग टू द कंप्यूटर। यहाँ पर जो बता रहा है इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कंप्यूटर से बिलोंग करता है। ठीक है, टिक राइट द करेक्ट वंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कंप्यूटर से बिलोंग करता है उसे हमें राइट टिक करना है, और जो कंप्यूटर से बिलोंग नहीं करता उसे हमें रॉन्ग करना है। ठीक है, सो स्पीकर करता है, ओवन करता है क्या कंप्यूटर से बिलोंग? नो, सो उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। माउस करता है, सो उसे राइट कर देंगे। ठीक है, नाउ सीपीयू, सीपीयू करता है बिलोंग, सो उसे सीपीयू को हमने टिक कर दिया। हेडफोन्स करते हैं, यहाँ पर मॉनिटर है, मॉनिटर भी करता है, सो उसे भी राइट टिक करेंगे। कैमरा नहीं है, फ्रिज नहीं है, मोबाइल नहीं है, कैमरा, वेब कैमरा यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू, वर्ड सर्च। सर्कल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर ये सर्च बॉक्स दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना है, सर्च करना है, जिसमें पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दिए हुए हैं। सो हमने यहाँ पर सर्च किया स्पीकर, यहाँ पर सर्च किया कीबोर्ड, दिस इज माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर। ओके, नाउ टर्न योर पेज, लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर थ्री, हेल्प सूरज टू असेंबल हिज कंप्यूटर, फाइंड द वे फॉर ईच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू रेज द मॉनिटर। अब ये कौन है, सूरज है। सूरज को क्या करना है, उसका कंप्यूटर से असेंबल करना है, मतलब यहाँ पर उसका कीबोर्ड पड़ा है, यहाँ स्पीकर पड़ा है, यहाँ सीपीयू है और यहाँ पर माउस है। अब उसको इसकी ये सारी चीजों को कहाँ लेकर आना है, उसके मॉनिटर के पास। तो उसने यहाँ से वे फाइंड आउट किया कीबोर्ड के लिए और आ गया मॉनिटर के पास। अब स्पीकर को लेके आने के लिए उसने यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। अब सीपीयू के लिए वो यहाँ से गया और मॉनिटर के पास पहुंच गया। माउस के लिए वो यहाँ से जाते हुए मॉनिटर तक गया। ओके, नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द कॉलम्स। नंबर वन, यू कैन टाइप ऑन द कंप्यूटर यूजिंग बटन प्रेजेंट ऑन मी। तुम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीजें टाइप कर सकते हो मेरे हेल्प से, जो बटन मुझ पे प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से तुम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप कर सकते हो। तो वो चीज क्या है, पता है हम सबको, वो है कीबोर्ड। नाउ सी नंबर टू, आई लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। वो क्या बोल रहा है, मैं टीवी स्क्रीन की तरह नजर आता हूँ। तो ये कौन है, मॉनिटर। आई प्रिंट योर ड्रॉइंग ऑन पेपर। जो तुम्हारी ड्रॉइंग होती है उसको मैं पेपर पर प्रिंट करता हूँ। कौन करता है ये काम, प्रिंटर। यू कैन यूज मी टू हियर साउंड। तुम मेरा यूज कर सकते हो किसी चीज को सुनने के लिए, स्पीकर्स। आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर का दिमाग हूँ, मीन्स ब्रेन हूँ। कौन है ये, सीपीयू। नंबर सिक्स, आई अलाव यू टू सिलेक्ट एंड पॉइंट एट थिंग्स। अब ये क्या बोल रहा है, मैं किसी भी चीज को तो मेरी हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो और पॉइंट कर सकते हो। सो ये ऐसा कौन करता है, माउस। ओके, और ये जो लाइन है इसे तुम लोगों को स्केल की हेल्प से खींचना है। ठीक है, थैंक यू।